देश में कोरोना का कहर जारी है और मेरठ भी इससे अछूता नहीं है। मेरठ में हर दिन के साथ बढ़ते कोरोना के मामले प्रशासन की नींद उड़ा रहे हैं। एक बार फिर मेरठ में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन के होश उड़ गए। इन 6 लोगों में से 2 लोग जमाती हैं। वहीं अब मेरठ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64 हो चुका है, जिसमें से 9 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 1 पीड़ित की मौत हो चुकी है। आज कोरोना के 4 पॉजिटिव केस जनपद मेरठ में निकले, उनमें से 2 जागर कॉलोनी के रहने वाले हैं और जो है 2 महिलाएं हैं। टोटल 4 केस है सर। जो सुबह का अपडेट थी 2 पेशेंटों की, क्या वो इंक्लूडेड है इसमें? नहीं, वो उनसे अलग है, वो कल देर रात सूचना उनकी प्राप्त हुई थी। तो टोटल आज 6 हो गए ना? जी, 6 हो गए। सर कितने टेस्ट लगे थे आज? आज हमारे करीब जो है 57 टेस्ट लगे थे। वहीं एक कोरोना पीड़ित के संपर्क में आने के बाद 2 दरोगा सहित 5 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। दरअसल बीते 11 अप्रैल को जलीकोठी में हॉटस्पॉट को सील करने गई पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसमें दरोगा और सिटी मजिस्ट्रेट भी घायल हो गए थे। पथराव के बाद पुलिस ने इमाम सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था और इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद सदर थाने ले जाया गया और उनके सैंपल भी जाँच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 1 व्यक्ति की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो तमाम पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर आनन फानन में सदर थाने के 2 दरोगा, 2 सिपाही और 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया और साथ ही उनके सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए। जो हमारे जो भी कर्मचारी लगे हैं, पुलिस के लगे हैं या जो सफाई कर्मचारी लगे हैं या जो भी सरकारी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ लगा है, सबको इस चीज के खतरा है कि चीज़ें संक्रमण फैल सकता है। और जो एक अभियुक्त पकड़ा गया था जिसने पथराव किया था पुलिस पे, उनकी जांच पे उस पॉजिटिव कोरोना का टेस्ट आया है, तो उसके संपर्क में जो भी हमारे 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 2 कांस्टेबल हैं, 1 फोर्थ ग्रेड का एम्प्लॉई है, इनको हम लोगों ने होम क्वारंटाइन में रखा है। उनका परीक्षण कराएंगे और अन्य जो हमारी जो पीपी किट्स मिली हैं उसको हम लोग थाने में दे रहे हैं, ताकि ऐसे जगहों पे जहां पर संक्रमण का डर है या ऐसे व्यक्ति जिनसे संक्रमण का डर है, लोग पूरे प्रिकॉशन के साथ उनको टच करें ताकि संक्रमण से बचा जा सके। ये केवल 1 थाने में ऐसा हुआ था, सदर थाने में, तो उन सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसका पूर्णतया पालन कराया जा रहा है। और आज जब ये अनाउंसमेंट हो गया है कि अब लॉकडाउन 3 तारीख तक रहेगा, इसका सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है, इसीलिए सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं, लोगों चीज़ों को देखा जा रहा है, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है, लोगों को एजुकेट भी किया जा रहा है कि आप कोऑपरेट करें और अगर स्थिति सुधरेगी तो 20 तारीख के बाद से ऐसे जिले जहां पर की स्थिति अनुकूल रहेगी तो कुछ न कुछ रियायत मिलेगी। फिलहाल 2 दरोगा सहित 5 लोगों को क्वारंटाइन के साथ पूरे थाने को सैनिटाइज किया गया है, साथ ही पुलिसकर्मी अब इन लोगों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।